डियर स्टूडेंट्स अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा टॉपिक है वेव फ्रंट। वेव फ्रंट चैप्टर 9 का पहला टॉपिक है और वेव फ्रंट का ताल्लुक रोशनी के साथ है, लाइट के साथ है। जब लाइट किसी सोर्स में से निकलती है तो वो हर डायमेंशन में प्रोपोगेट करती है। ये हमारे सामने वेव फ्रंट्स जा रहे हैं, ये पहला वेव फ्रंट है, ये दूसरा वेव फ्रंट है, ये तीसरा वेव फ्रंट है। वेव फ्रंट क्या होता है, किसी भी सोर्स से हम कोई ऐसी सरफेस लें जहाँ पे काफ़ी सारे पॉइंट्स हों और वो सारे के सारे जो पॉइंट्स हैं उनका सेम फेज ऑफ वाइब्रेशन हो, सारे पार्टिकल का सेम फेज ऑफ वाइब्रेशन हो, उन पार्टिकल से जो सरफेस वजूद में आता है उसको कहते हैं वेव फ्रंट। तो ये हमारा पहला वेव फ्रंट है, यहाँ पे जितने पार्टिकल्स मौजूद होंगे उनसे हमारा सेकेंडरी वेव फ्रंट बनेगा एंड सो ऑन। वेव फ्रंट्स की टू टाइप्स हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल स्फेरिकल वेव फ्रंट, स्फेरिकल वेव फ्रंट, एंड सेकेंड इज प्लेन वेव फ्रंट। स्फेरिकल वेव फ्रंट वो होता है जो स्फीयर की शक्ल में होता है, जिस तरह एक फुटबॉल है या एक बैलून है, और ये जो वेव फ्रंट हैं ये किसी भी सोर्स के करीब करीब बनते हैं। प्लेन वेव फ्रंट ऐसा वेव फ्रंट है जो स्ट्रेट लाइन की शक्ल में होता है। मिसाल के तौर पे सूरज से रोशनी जब निकलती है तो वो स्फेरिकल वेव फ्रंट की शक्ल में होती है, लेकिन जैसे जैसे लाइट दूर जाती जा रही है तो वेव फ्रंट का साइज बड़ा होता जाता है, और इतना साइज बड़ा हो जाता है कि उसका जो हिस्सा हमारी आंखों पे आके पड़ता है वो एक प्लेन की शक्ल इख्तियार कर लेता है। ये जो वेव फ्रंट होगा, एक बहुत बड़े स्फेरिकल वेव फ्रंट का ये जो स्मॉल पार्ट होगा इसको हम बोलते हैं प्लेन वेव फ्रंट। एक वेव फ्रंट से अगले वेव फ्रंट में कुछ ना कुछ फासला होता है, इस फासले को कहते हैं वेवलेंथ ऑफ लाइट। वेवलेंथ ऑफ लाइट, येलो लाइट की वेवलेंथ कुछ और होती है, रेड लाइट की वेवलेंथ कुछ और होती है, और ये जो लैम्डा है, ये जो वेवलेंथ है, इसको हम इस फॉर्मूले से निकाल सकते हैं एज एस इक्वल टू वी टी। यहां पे एस है फासला, वी है स्पीड एंड टी है टाइम। इन केस ऑफ लाइट, इन केस ऑफ लाइट एस की जगह आ गया लैम्डा, वी की जगह आ गया सी, सी स्पीड ऑफ लाइट को शो करता है, और टी की जगह आ गया डेल्टा टी, क्योंकि रोशनी को बहुत ही थोड़ा टाइम लगता है एक वेव फ्रंट से दूसरे वेव फ्रंट तक पहुंचने के लिए। तो इन केस ऑफ लाइट जो लैम्डा है वो बराबर आ गया सी डेल्टा टी के। यहां पे जो लैम्डा है ये उस रोशनी की वेवलेंथ को जाहिर करता है। वेव फ्रंट के बारे में आखिरी जो टर्म है वो है रे ऑफ लाइट। रे ऑफ लाइट, वेव फ्रंट्स ओरिजिनली पाए जाते हैं, लेकिन इनको आसानी से समझने के लिए हम क्या करते हैं, हम एक लाइन ड्रॉ करते हैं। जो लाइन सोर्स से निकलती हुई आउटपुट जाती है और वेव फ्रंट्स के साथ वो 90 डिग्री का एंगल बनाती है, 90 डिग्री का एंगल बनाती है। इस लाइन को जो 90 डिग्री का जाविया बनाती है, परपेंडिकुलर होती है, उसको बोलते हैं रे ऑफ लाइट। तो वेव फ्रंट्स के बारे में सबसे पहले जो पॉस्टुलेट्स दिए वो पॉस्टुलेट्स दिए हाइजेंस प्रिंसिपल के। हाइजेंस प्रिंसिपल वो असूल है जिनके जरिए हम वेव फ्रंट की कंस्ट्रक्शन को समझ सकते हैं, उनको ड्रॉ कर सकते हैं। उसका पहला पॉइंट ये है कि जो प्राइमरी वेव फ्रंट होता है, जो पहला वेव फ्रंट होता है, वो सेकेंडरी वेव फ्रंट का सोर्स होता है। इसका मतलब ये है कि सोर्स से वजूद में आया पहला वेव फ्रंट और दूसरा जो वेव फ्रंट है वो पहले वेव फ्रंट से वजूद में आता है। इसलिए हम ये कह सकते हैं कि जो पहला वेव फ्रंट है, जो फर्स्ट वेव फ्रंट है, वो सेकंड वेव फ्रंट के लिए सोर्स का किरदार अदा करता है। तो इसका सेकंड पॉइंट ये है कि हम सेकंड वेव फ्रंट, थर्ड वेव फ्रंट किस तरह हासिल कर सकते हैं। इसको हासिल करने के लिए हम आर्क्स ड्रॉ करते हैं, आर्क्स ड्रॉ करते हैं।
और उसके बाद उन ऑर्ब्स की जो एक्सटर्नल सरफेस है वहां पर टेंजेंट ड्रॉ करते हैं और उसके जरिए हमें मिल जाता है सेकेंडरी वेव फ्रंट। तो ये आज के टॉपिक के बारे में है। वेव फ्रंट क्या होता है, वेव फ्रंट की कितनी इकसाम है, उसके फासला कितना होता है, रे ऑफ लाइट क्या है और हाइजन प्रिंसिपल क्या है। दैट्स ऑल।